नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके बिहार में एक बार फिर से कार्यपालक सहायक की नई भर्ती निकाल दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, नई भर्ती आ चुकी है कार्यपालक सहायक की आपके बिहार में, यानी कि एचक्यूटिव असिस्टेंट्स की न्यू वैकेंसी आई हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल नोटिस में क्या बातें बताई गई है, कब से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, साथ में योग्यता क्या है और इसका चयन प्रक्रिया क्या है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इस जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट नोटिस है, आज ही की नोटिस है 18 जुलाई की। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हम आपको इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे और आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाए। और फ्रेंड्स एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और ये वैकेंसी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के तरफ से निकाली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बता दें गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था गोपालगंज की तरफ से, तो एचक्यूटिव असिस्टेंट्स की जॉब आपकी गोपालगंज में आ चुकी है और आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं वैकेंसी कहां पर आई हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां पर जारी किया गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं राइट साइड में जो आपको ये 3 लाइनें दिख रही हैं, आपको यहीं पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे मोर का ऑप्शन आएगा और जैसे कि होम का ऑप्शन आ गया तो उसके बाद आपको एक नोटिस का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हैं इस नोटिस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपको एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नेट यहाँ पर थोड़ा स्लो है, थोड़ा वेट करते हैं, नया पेज ओपन होता है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द पैनल क्रिएशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचक्यूटिव असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। और सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट बताया जा रहा है 22/7/2019 से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर 31/7/2019 यानी 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट बताई गई है। तो बहुत ही कम दिन दिए गए हैं, यानी कि बहुत ही कम चांस है आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। लगभग यहाँ पर 22/8/30 9 या 10 दिन आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर चलिए नोटिस को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, डायरेक्ट नोटिस को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या बातें नोटिस में बताई गई है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ बताया जा रहा है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा निहित नियोजन पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आप सभी कैटेगरी के एज के बारे में बताया गया, आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2019 से आपकी आयु गणना की जाएगी। 1/8/2019 को यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हैंडीकैप को यहाँ पर छूट की दी जाएगी 10 वर्षों के लिए, जिसके लिए उनको 40% वाला विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पर जो न्यूनतम योग्यता की बात बताई जा रही है, 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये कुछ हार्डवेयर्स दिए गए हैं, जब आप लोग एग्ज़ाम पास कर लेंगे, आप लोगों का जब पोस्टिंग होगा तो ये हार्डवेयर्स लगेंगे, ये बात की बात है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मानदेय बताई जा रही है 11,345 रुपये। और साथ में हम बता दें कि कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए आपको अलग से कोई भी यहाँ पर भत्ता देना ही होगा। पेपर कटेज की खर्चा कार्यालय देगी और जो इंटरनेट के कनेक्शन की खर्चा होगी उसे आपको देना होगा। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नियुक्ति अवधि के बारे में बताई जा रही है, जो कि 3 वर्ष की पैनल बैठता है और 1 वर्ष की आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर चयन का आधार बताया गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, रिटर्न और टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट के बेस पर आप लोगों का चयन किया जाएगा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं एग्ज़ाम होगा, रिटर्न और टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी, तो उस तरह से होगा। और उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 7वें नंबर पर ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताया गया, 22/7/2019 से स्टार्ट है, 31/8/2019 शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। तो आप लोग डेट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन दिए गए हैं आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। लास्ट में आप लोगों को बस वार्निंग दे दी गई है कि पैनल कभी भी रद्द किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले कि बिहार में न्यू वैकेंसी फिर से आ चुकी है एचक्यूटिव असिस्टेंट की। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।